आज खाने में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा। लड़की गोरी चाहिए शादी करने में, और कहीं की भी वो चलेगा, कोई भी जाती है। मेरे घर वाले अगर ऐसा बोलते ना तो अभी कल ही उठा के ले आता उसको। कुछ तो अलग सा हो गया, सफेद सफेद दिख रहा है पूरा, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है किसी ने उस पर कोलगेट मला है। भाई रात के 2 बज रहे हैं और व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, मेरे से व्लॉग का एडिट भी नहीं हो रहा सही से, कुछ खास एडिट नहीं हो रहा है। घर वाले अब धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए, अब बहुत डांट खाए मैं। तो हे गाइस वेलकम बैक इन न्यू ब्रांड, मैं हुशार, आप लोग देख रहे हैं आपका व्लॉगर। तो आज है डे 2 लगातार व्लॉग बनाने का, और अभी सुबह सुबह हो चुकी है। मैं सुबह व्लॉग एडिट करते 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 कितने बज गए आप लोगों को पता नहीं होगा, 3 बज गए। और सुबह 8 बजे मम्मी उठा दिया, लात मार के बोले चलो उठ चाय पी, वो भी कौन सी काली चाय, पता नहीं लगातार मम्मी क्यों चाय बना रही है। अच्छा हाँ, जो गुलाब जामुन बनाया था ना उसकी चाशनी बची इसी वजह से। तो अभी हमारे घर में ना बनने वाला है बेसन की सब्जी, और बेसन की सब्जी माहिर है हमारी रिटर्न मीन्स श्लोक की माँ, तो आई है नीचे, अभी हम चलेंगे नीचे। पर भाई उससे पहले कि मैं नहा धो के, एकदम नहाया धोया नहीं है, मतलब मुँह धो लिया, क्योंकि ना सुंदर सुंदर चेहरा रहेगा तो सुंदर सुंदर लड़की मुझे मैसेज करेगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, ऊपर का माहौल बहुत गर्म है, और वो एक लड़की मुझे देख रही है वहाँ से, तो उसको इग्नोर करते हैं। ये बाजू में भी एक लड़की देख रही है। आज खाने में क्या है मामा? क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा। रीता आंटी आई हुई है, देखिए सब्जी बनाने में, बोल रहा था ना सब्जी बनाने। अभी हम चल रहे हैं ब्रश करने, मैं अपना ब्रश निकालू। और बहुत लोगों को लगता है कि उस दिन जो था शैम्पू वाला एड जो था, मतलब मैंने किया था वो गलत था, शैम्पू से यूज नहीं किया था। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने सच में शैम्पू से किया था, मेरा सर दर्द कर रहा था। देखो कुछ तो अलग सा हो गया, सफेद सफेद दिख रहा है पूरा, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है किसी ने उस पर कोलगेट मला है, ये नाक पे होते हैं ना ब्लैक हेड जिसको कहते हैं काले काले, तो वही पता नहीं किसने रगड़ा दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, किसने तो रगड़ा है शायद से वो यही आदमी, ये आदमी है। सो अभी हमने झाड़ू मार दिया, देखो पोछा मारने की बारी है, पानी है, फिनाइल है, और ये हमारा या पोछा मारू यंत्र जो एकदम खड़ा है, उसको ऐसा पकड़ेंगे, मतलब गलत मसाज तो नहीं चलता। और अभी मम्मी बात कर रही थी तंटी से, मतलब यहाँ पे चूड़ी पहना था, वो मम्मी बोली थी लड़की गोरी चाहिए शादी करने में, और कहीं की भी वो चलेगा, कोई भी जाती है। मेरे घर वाले अगर ऐसा बोलते ना तो अभी कल ही उठा के ले आता उसको, क्योंकि मेरा घर गोरी नहीं रहे ना। आने बाद घर क्या चमक रहा है ना, देखो ये पोछा मारने वाले का कला है। गाइस हमारे घर पर पापा आए, और हमें दूध लाने जाना है, तो दूध भी लाएँ, फिर कितना दूध आना पड़ता था निवास की दुकान पे, दूध दूध लेते हैं फिर मिलते हैं। ओह ओह लेडीज़ मिल चुका है, आंटी दूध इतना देर बाद देती हैं जब तक मेहमान उठ के चला भी जाएगा अपने घर पे। पीता नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा है क्योंकि। तो अभी मैंने खाना पीना खा लिया है, और जिगर देखो खा रहा है। तो पापा का भी मैंने पैर और दबा दिया, और हमारे जो गली में के लोग हैं ना वो जा रहे देवस्थान, आओ दिखा देते हैं, वो लोग देवस्थान जा रहे हैं, वो दिवाली के हर बार जाते हैं ना, मुझे पता नहीं था मम्मी बताई। मम्मी देखो बाहर कूड़ा फेंकने आई थी, वही बाहर सामान देख के रुक गई, देखो सब जा रहे हैं। हमको किसी ने इनविटेशन ही नहीं दिया, कतरी सिली थी गोदड़ी और इसमें मार दी सही से उल्टा सीधा करके सिलाई, अब बोल रही है देखो खोलने को बोल रही है, बोली तू 5 सिलाई इसमें से खोल दे, इतने बड़े बड़े 5 सिलाइन कौन खोलते बैठेगा, और फिर भी खोलना पड़ेगा तो खोलते हैं। मम्मी यहाँ पे ठेकेदार बनी है, देखो सब लेके रखी है। सो गाइस अभी मैं और मेरे मामा श्री जा रहे हैं कुछ सामान लाने, देखो झोला वोला लिए हैं, थोड़ा खाना पीना बनाना है, चलना पड़ेगा रूम पे संडे हमारे, तो इनके रूम पे चलते हैं। वैसे भी हमारे मामी की तबीयत खराब है, थोड़ा देख लेते हैं मामी को क्या हुआ है। गाइस मैं सोचा बिस्लरी के पानी होगा, मैंने बिस्लरी पानी सोच के बोला पानी ला, पता चला दिसंबर का पानी है। ये चल क्या रहा है हाँ, तो वहाँ पे एक मुस्लिम अंकल थे हाँ, वो सती सलोचना सुन रहे हैं, बाप रे गजब, मतलब सती सलोचना ऐसा रहता है ना जैसे हमारे तरफ में, वो शायद हमारे तरफ का ही, उसमें ना जैसे रामायण कांड रामायण के बारे में जो रहता है ना वो अपने टोन में गाते हैं, मतलब कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन भाई मेरे को बहुत गजब लगा। मैं सामान वाल ला लिया हूँ, देखो बहुत ही दुख की खबर भाई, मेरे घर वाले अब धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, अब बहुत डांट खाए मैं, ये ब्लॉग बना रहा था ना एंड सेंट कुछ भी बना देते हो ऐसा, तो कोई बात नहीं। भाई रात के 2 बज रहे हैं और व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, मेरे से व्लॉग का एडिट भी नहीं हो रहा सही से, कुछ खास एडिट नहीं हो रहा है। पानी पीते हैं बस, अब बैठते हैं, मन फ्रेश होगा फिर व्लॉग हट रही साले आ जाता है बीच में घूमने, तो व्लॉग एडिट करते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है ब्लॉग के लिए। थोड़ा हवा लेते हैं ऊपर, और हमारा जो है नेचर से मैं बात करूंगा, थोड़ा क्या रहता है ना जिससे बात करता था ना तो उससे बंद हो गया है, तो अब थोड़ा नेचर से बात, पहले भी करता था लेकिन अब नेचर से बात करता हूँ, उसी के सहारे पता चल जाता है कौन क्या डांस कर रहा है, किस लिए तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखो मस्त से अभी टाकी भर रही है अपनी, इतनी गजब की हवा चल रही है, आए ठंडा ठंडा हवा,
और अभी मुझे लग रहा है कि ना, अभी मैंने देखा जिगर के चेहरे को तो मुझे लगा कि उसको स्मॉल पॉक्स हो रहा है। देखो अभी कल सुबह पता चलेगा, मम्मी रात में मम्मी सही से देख नहीं पाती ना, तो सुबह पता चलेगा मम्मी देखी। अभी अभी ना आंटी आई थी ना अंशित की मम्मी, तो बोल रही थी कि ना देखा मैंने अंशित जो तबियत खराब था हॉस्पिटल गया, तो देखा मैंने अंशित को ब्लॉक में डाला था। और मैं सोच रहा हूँ अंशित को मैंने कभी ब्लॉक किया ही नहीं भाई। अंशित आंटी क्या बोल रही है, फिर देखा आंटी, तब सुना कि आंटी ने देखा, मीन्स उन्होंने ब्लॉग देखा। अच्छा लगा भाई, पहले लोग नहीं देखते थे, धीरे धीरे देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जो करना है कर दो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।